हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत मिला है, जिसके बाद बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा की सत्ता संभालने जा रही है। आपको बता दें यह भाजपा के लिए हैट्रिक है। वहीं हरियाणा चुनाव में शानदार परिणाम के बाद अब हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की है। सैनी बुधवार सुबह दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7LKM पहुंचे थे। वहीं सीएम आवास से रवाना होते हुए सीएम सैनी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह शिष्टाचार भेंट करने के लिए आए थे। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट हुई है, साथ ही हरियाणा में हमारी जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, उन्होंने इसके लिए बधाई दी। मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि उन्हें हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, जिसका परिणाम ही है कि तीसरी बार हरियाणा में इतनी ज्यादा सीटों के साथ डबल इंजन की सरकार बन रही है। माना जा रहा है कि 12 अक्टूबर को सीएम पद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हरियाणा में बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार देर शाम दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके साथ रहे। वहीं पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को बधाई देता हूं। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए हैं, इनमें से 10 चुनाव में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली। इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया वह अभूतपूर्व है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला है। पीएम मोदी ने इस बीच कांग्रेस के हार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है, इसलिए वह अलग अलग वर्गों को भड़का रही है, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रही है। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुआ, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वह देश के साथ है, बीजेपी के साथ है। वहीं नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की राजनीति की रिवायत को बदल दिया है। कांग्रेस जाति वाद को बढ़ावा देती रही है, कांग्रेस भाई भतीजावाद को बढ़ावा देती रही है और आज भी जाति के आधार पर लोगों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जहां कांग्रेस है वहां करप्शन कमीशन और क्रिमिनलाइजेशन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 23 सालों में जिस कार्यकर्ता भाव से, जिस समर्पण भाव से देश की तस्वीर को बदलने के लिए अथक प्रयास किया है, यह उसका नतीजा है कि आज हरियाणा और देश का मिजाज मोदीमय है। यह बात फिर से साबित होती है कि मोदी है तो मुमकिन है। हरियाणा का चुनावी रिजल्ट चौंकाने वाला है। कांग्रेस लहर के दावे और तमाम एग्जिट पोल फेल साबित हुए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को 37 सीटों पर समेट दिया, जबकि बीजेपी ने बहुमत पार कर 48 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। हरियाणा में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कुल 46 सीटों की जरूरत होती है। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इनेलो ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 3 सीटों पर आजाद उम्मीदवार जीते हैं।